दोस्तों बुलंद संदेश न्यूज में आपका इस्तकबाल है, जुड़े रहिए बुलंद संदेश न्यूज से। जो लोग भी कमजोरी के हालात में होते हैं, जिनको स्टेट की मदद की जरूरत होती है, उन लोगों को अपनी डेफिनेशन लाया जाता है। उस डेफिनेशन की हैसियत से मेरा ये मानना है कि ना सिर्फ मजहबी अकलियत है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और पारसी और जैनी भी आते हैं, बल्कि जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी और जरूरत सरकार को है। तो आज का जो ये महफिल है, उसकी सबसे अहम जो बात है वो ये है कि मोहम्मद आरिफ जो एक नौजवान है, और उसका बिलखसूस इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, खन्ना साहब जो इनके कोच, और मैं समझता हूं आज की इस तकलीफ में उनको सबसे ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए थी, शायद कम मिली है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किसी को अगर मिलनी चाहिए तो खन्ना साहब को मिलनी चाहिए। लेकिन आरिफ ने एक और कारनामा अंजाम करके एक और मिसाल दी है, जिसको समझने की और जिसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत बहुत अहम। वो मिसाल ये है कि पूरी दुनिया में अव्वल आए हैं अपने जो दर्जा है इनका, अपनी जो कैटेगरी है उसमें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इनकी खासियत और खन्ना साहब की खासियत खास तौर पर यह है कि हमारे मुल्क में जो फैसिलिटीज मिलती है वो दूसरे मुल्कों की बनिस्बत बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो मोहम्मद आरिफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक मुल्क की सबसे कमजोर तबके से आके एक ऐसे मुल्क से जिसकी बनिस्बत दूसरे मुल्कों में ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में, चाइना में और अमेरिकन जो कंट्रीज है उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। बचपन से वो सारी फैसिलिटीज शायद आरिफ को मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए खन्ना साहब की तारीफ जितनी भी की जाए कम है कि उन्होंने ये सभी जो बंदिशें थी उसको तोड़ के इनको नंबर वन का दर्जा हासिल कराया। ये सबसे बड़ा मैसेज है हमारे मुल्क की अकलियतों में जो टैलेंट है और जो काबिलियत है और जो उनके अंदर खसूसियात मौजूद है, वो खन्ना साहब जब ही उजागर कर पाए क्योंकि उनके अंदर ये चीजें खसूसियात मौजूद थी। इसका जो श्रेय जाता है वो आरिफ को ही जाता है और उसके माँ बाप को जाता है। तो मैं आप लोगों से आज इस महफिल में यह गुजारिश करने आया हूं कि आज हमारा मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है वो बहुत ही एक अहम दोराहा है, जिसमें हमारे मुल्क की अकलियतें जो है एससी एसटी और माइनॉरिटी खासतौर पर, जिसमें ओबीसी भी शामिल है, मगर बिलखसूस एससी एसटी और माइनॉरिटीज, हमारे मुल्क की आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम लोग एक साथ हों, क्योंकि हम सभी ने याद रखिए और मैं पूरे एहतमाम के साथ और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि ऐसी खसूसियात जो आरिफ में थी वो इस मुल्क की अकलियतों में इस मुल्क की अक्सरियत से ज्यादा मौजूद है। ये मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ साइंटिफिक बात कह रहा हूं। इस बात को मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो एम्स के सुपर स्पेशलिटी रिजर्वेशन केस थे उसमें भी आर्ग्यू किया था, उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन अभी उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी खसूसियात अपनी ताकत को समझें, एकजुट हो, क्योंकि मुल्क को आज आपकी जरूरत है। अभी मैंने सुना कि आप लोग कब्रिस्तान के लिए गुजारिश कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में एक तिहाई से ज्यादा जमीनें वक्फ की हैं, खासतौर पर बेखसूस मुस्लिम कम्युनिटी को सरकारी मदद की सबसे कम जरूरत है। जरूरत इस बात की है हम अपनी लीडरशिप ठीक करें, हम अपने आप को ठीक करें और हम मुनज़्ज़म तौर पे अपने इदारे, जिसमें से एक इदारा मुझे बड़ी खुशी है आज मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, एक इदारा ऐसा है जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे बनाने की जरूरत है। इस बात को महसूस करने की जरूरत है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए खासतौर पर मुस्लिम बुजुर्ग जो थे हमारे पास इतने वसाइल छोड़ गए वक्फ की सूरत में, अगर हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं तो शायद हम सरकारों से लेने के
में आ जाए। ये बात भी मैं पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे यकीन और पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूँ। आज हमारे मुल्क में 50 से 60 हजार करोड़ की वक्फ की जायदादें, 50 से 60 लाख करोड़ जायदादें हमारे मुल्क में मौजूद है। जरूरत इस बात की है कि आप जैसे बाशऊर लोग हम लोग एक मिशन चला रहे हैं वक्फ की जायदादों को आजाद कराने का, और वही हमारी फाइनेंशियल, सोशल और एजुकेशनल जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए और हमें कामयाबी दिलाने के लिए सबसे अहम और पहला स्टेप वो है।